आज मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया कि पूरे देश भर में एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR को चलवाएंगे वो, और ये काम पूरा होगा अप्रैल और सितंबर 2020 के बीच में। NPR में हर नागरिक से पूछा जाएगा कई सारे सवाल, 21 सवाल हैं, और इसके अंदर आपके माताजी पिताजी का जन्म कहाँ पे हुआ, कब हुआ, और इस तरीके की पूरे डिटेल्स उसके अंदर मांगी जाएगी। ये NPR होगा आधार, जिसके ऊपर ये NRC लागू होगा। NPR के अंदर जिन जिन लोगों के ऊपर शक है अधिकारियों को कि वो देश के नागरिक है या नहीं, उन सब के बारे में NRC जब लागू होगी वही डॉक्यूमेंट्स और वही दस्तावेज सब पेश करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके खिलाफ आज देश के पूरे देश के अंदर लोग जो है इसके खिलाफत कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये सरासर हमारे संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है। एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है उसको, उसकी चरित्र को बदलने की पूरी कोशिश है, एक हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में बदलने की प्रयास जो हमारे देश की जनता को और लोगों को स्वीकार नहीं है। आज कम से कम हमारे देश के अंदर 12 मुख्यमंत्रियां अलग अलग प्रांतों में उन्होंने कहा कि NRC लागू नहीं होगी उनके राज्यों में। हम उन सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करेंगे, जैसे केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि NRC के साथ साथ NPR का काम भी उन राज्यों में नहीं होगा, इसकी घोषणा स्पष्ट रूप से करें। ये हमारा निवेदन है उन मुख्यमंत्रियों से।